अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश वॉइस एकेडमी। तो भाई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पहले जो है ना थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स के भी जो है वो पेपर्स को सॉल्व करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। तो इतफाक़ से स्टेडियम रोड कॉलेज जो है, जो कि एसआरई मजीद भी है, उसका जो है वो मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट आया है फेस का और मैथमेटिक्स का। तो मतलब चलो पहले ज़रा सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का अपलोड कर दें और कोशिश करते हैं कि फिर इसका फिज़िक्स भी अपलोड कर दें। अच्छा, ये जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि देखो सारे के सारे एमसीक्यूज हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर ओनली इन मैथमेटिक्स हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और एक्चुअली होना भी चाहिए क्योंकि इसमें हमें सोल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। वो पहला आ गया लिमिट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड, और लिमिट है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3। लिमिट है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3, और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, और नीचे लिखा हुआ है x-3। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हम फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ये हो जाएगा x+3 और x-3। ठीक, समझ के बाद ये हमने इस्तेमाल करा a²-b² बराबर होता है a+b इंटू a-b के बराबर, और डिवाइड में लिखा हुआ है पहले से x-3। लिमिट तब तक अप्लाई नहीं करते जब तक इन्फिनिटी ना हो जाए, इन्फिनिटी से बच ना जाए, कोई ना कोई आंसर ना आ जाए। तो x-3 से x-3 होगी कैंसिल, अब डिनोमेटर में कुछ भी नहीं है, इजीली हम जो है वो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 3, x+3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट, और जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या है, x बराबर है 3 के, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 3+3, और 3+3 का मतलब हो जाएगा 6। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सा 6। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n टू द पावर n। तो ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और दिस इज इक्वल टू e। ठीक है ना, e के बराबर होता है ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, तो इसको बिना सॉल्व किए याद रख लेना है अपने सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, 2x को इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करना है, 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है 2x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा पावर में एक ऐड कर देंगे, और जो पावर आएगी उस पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 एज इट इज़, x² हो जाएगा, पावर में x की पावर में एक पावर ऐड की और फिर उसी से डिवाइड करा देंगे 2 से, और फिर यहाँ पर आ जाती है लिमिट 1 से लेकर 2 तक, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और बचेगा हमारे पास x², जिसके लिए लिमिट है 1 से लेकर 2। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग लिमिट, तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 2, तो x की जगह पर 2 पुट करा, माइनस लोअर लिमिट है 1, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो जाएगा आंसर बराबर 3 के। सो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी 3 है, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन गिवन है, उसका स्लोप बताना है कि उसका स्लोप कितना होगा। द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप का मतलब या तो आप डेरिवेटिव के जरिए निकालो या कंपैरिजन के जरिए निकाल लो कि आप इसको कंपेयर कर लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। तो ये है 5y+3 इज इक्वल टू 0, 5y+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, वाई को अलग करते हैं, तो वाई को अलग करने के लिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा -3/5। कंपेयर करें अगर तो वैसे होना चाहिए y इज इक्वल टू mx+c। अब यहाँ पे क्योंकि कोई x की टर्म नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास x की कोई टर्म नहीं है ना, सिर्फ ये तो कांस्टेंट c लिखा हुआ नज़र आ रहा है। x की कोई टर्म ना होने का एक ही रीज़न हो सकता है कि उसका स्लोप बराबर होगा 0 के, तभी जब वो x से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने x को ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, इसका जो स्लोप है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 5, द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक सर्किल गिवन है x² + 6x-8y+3। क्वेश्चन नंबर 5, x² + y² और क्या है, प्लस का 6x माइनस का 8y, प्लस का 6x माइनस का 8y, और आगे कुछ भी लिखा हो उसका मतलब नहीं, प्लस का 3
इज इक्वल टू जीरो। हमें मालूम करना है इसका क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सीधा सीधा कंपेयर करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इसको हमें कंपेयर करना है। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, आप देख सकते हो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आ रहे हैं, टू जी एक्स बराबर आ रहा है 6x के और टू एफ वाई बराबर आ रहा है माइनस के 8y के। तो x से x कैंसिल और 2 ones are 2, 2 threes are 6, तो g की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 3 के। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, y से y कैंसिल, 2 ones are 2 और 2 fours are 8, तो हमारे पास f का आंसर आ जाएगा माइनस के 4 के बराबर। ठीक है ना, और जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट्स जो है वो होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो g हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो इसका मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट्स है माइनस थ्री कॉमा फोर, ये लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, ln sec x, y जो है वो बराबर है ln sec x के, तो हमें मालूम करना है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, ln sec x, y इज इक्वल टू ln sec x, y इज इक्वल टू ln sec x, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और हमें मालूम करना है dy ओवर dx। तो ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy ओवर dx। तो सबसे पहले फंक्शन, ये जो ln है, ln का मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर sec x, और फिर sec का अपना डेरिवेटिव जो ln का फंक्शन है उसका डेरिवेटिv, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x। तो यहाँ पर हो जाएगा sec x से sec x कैंसिल, वैल्यू हमें मालूम करनी थी dy ओवर dx की, जो बराबर आ जाएगा tan x के। क्वेश्चन नंबर 6, tan x, दिस वन, फर्स्ट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इंक्लिनेशन मालूम करनी है कि कितनी इंक्लिनेशन है, तो जाहिर सी बात है उसको स्लोप के जरिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है x माइनस अंडर रूट 3y, और इधर लिखा हुआ है प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, बेसिकली हमें जो है वो उसको स्लोप मालूम करना है, स्लोप कंपैरिजन के जरिए कर लो या डेरिवेटिव के लिए के जरिए कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर, वाई की वैल्यू को अलग करते हैं ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3y, इधर जाके प्लस का हो जाएगा और बच जाएगा एक्स प्लस 5। और बेसिकली वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 5 अंडर रूट 3। ठीक है ना, अंडर रूट 3 इस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना स्ट्रेट लाइन की, इसको ज़रा आप कंपेयर कर लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो कंपेयर करके क्या पता चला, m जो है वो बेसिकली किसके बराबर आ रहा है, m जो है वो बराबर आ रहा है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3 के। ठीक है, और m एक्चुअली क्या होता है, m होता है tan थीटा 1 ओवर अंडर रूट 3। तो हमें क्योंकि थीटा मालूम करना है, इंक्लिनेशन मालूम करनी है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या करेंगे, tan इनवर्स, और tan इनवर्स मालूम कर रहे हैं 1 ओवर अंडर रूट 3। ठीक है जी, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्रीज़ के। ठीक है, तो अगर डिग्रीज़ के अंदर ऑप्शन हो तो 30 डिग्रीज़, नहीं तो अगर पाई में है तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर पाई बाय 6 ढूंढना है, ये हो गया हमारे पास पाई बाय 6, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर, जो एल्टीट्यूड होते हैं ट्राइंगल्स के, जो कि वर्टेक्स से जाते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, जिन्हें हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिकली एल्टीट्यूड, अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ गया, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि स्टार्ट होगा फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, और जाहिर करेगा कि ये तीनों की तीनों लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास होती हैं, और एक पॉइंट से पास होने का मतलब होता है कॉन्करेंट। तो याद रखिए, जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल होते हैं वो होते हैं कॉन्करेंट, पैरेलल नहीं होते, तो कोइंसिडेंट नहीं कह सकते, पैरेलल भी नहीं कह सकते, और इक्वल होना भी ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, एक लाइन गिवन है उसका एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इंटरसेप्ट की बात क्या है कि कहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जहाँ पे एक्स एक्सिस कट करता है वहाँ पे वाई जीरो होता है। क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 6। तो याद रखो,
एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस को कट करेगी ये स्ट्रेट लाइन, और एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब वाई ज़ीरो होगा वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे वाई की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हो, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो दो ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाए, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, 2 माइनस का 3 माइनस का 2 ये माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ार 6, तो सही बात है। अब कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन कॉमन लोगे तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब या तो इधर x माइनस 3 बराबर है 0 के, या तो x माइनस 2 बराबर है 0 के, तो x आ जाएगा बराबर 3 के और ये वाला x बराबर आ जाएगा प्लस के 2 के, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी 3.2। ठीक है, तो 3.2 ढूंढना है हमने, ये आ गया फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव मालूम करना है, और 3 to the power 2x डेरिवेटिव मालूम करना है 3 to the power 2x। क्वेश्चन नंबर 10, 3 to the power 2x इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो लेट y के बराबर सपोज कर लो ये फंक्शन आ गया 3 2x, फिर दोनों तरफ ln लेना होगा पावर को ख़त्म करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ln y और ये हो जाएगा ln और 3 की पावर 2x। ln की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, ln की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लिखा होता है ln a टू दी पावर b, तो इसको हम लिख सकते हैं b ln a के बराबर, तो राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी, ln y इज इक्वल टू 2x इधर आ जाएगा और ये अलग से बन जाएगा ln 3। ठीक है ना, ln 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उससे परेशान नहीं होना है। नाउ अब उसको आप डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डेरिवेटिव मालूम करना था, तो सबसे पहले ln का डेरिवेटिव 1 ओवर y आ जाएगा, और y का अपना डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx के बराबर। ठीक है जी, ln 3 कांस्टेंट है पहले लिखे रहने दो, और 2x का अपना डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा 2 के। अच्छा जी, फिर dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, y को दूसरी तरफ भेजिए तो यहाँ पर आकर हो जाएगा y, और क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2 भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ln 3। अच्छा जी, y की अपनी वैल्यू 2 और y की अपनी वैल्यू 3 to the power 2x और आ जाएगा ln 3। तो हमें आंसर चाहिए जिसके अंदर 2 हो, 3 की पावर 2x हो और ln 3 हो, 2 हो 3 की पावर ln 2x हो, सॉरी 3 की पावर हो 2x और ln 3 हो, ln 3 हो, 2 हो 3 की पावर 2x हो और ln 3 हो, ये वाला थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 11, sin x square x प्लस cos square x का डेरिवेटिव मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारे पास sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बराबर है किसी फंक्शन के, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो अगर डेरिवेटिव होगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिए ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि बेसिकली हमें मालूम करना है, और यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2 sin x, और sin का अपना डेरिवेटिव बराबर होता है cos x के, इसी तरीके से प्लस पहले पावर का डेरिवेटिव तो 2 cos x आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, तो ये बनेगा 2 sin x cos x प्लस माइनस माइनस, और 2 इसको भी अरेंज कर सकते हैं sin x और cos x के बराबर, तो ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी सीधा सीधा कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएंगे तो डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा 0 के, तो इसका आंसर होना चाहिए ये फोर्थ वन 0। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट करना है sec x tan x और 2 प्लस 3 और sec x। ठीक है जी, और तीन ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन के अंदर ln नज़र आ रहा है, इसका मतलब इसमें ln के ज़रिए सॉल्व करना है, तो ये भी एक टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन को देख के। क्या क्वेश्चन था, ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेट करना है sec x tan x को, sec x tan x, ठीक है जी, और नीचे लिखा हुआ है 2 प्लस 3 sec x, 2 प्लस 3 sec x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अच्छा, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा ln मालूम कर लेते हैं,
अब आप देख लो जो नीचे का डेरिवेटिव है, अगर चलो पूरा सपोज भी करके सॉल्व करना है तो चलो सपोज करके सॉल्व कर लो, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वैसे एमसीक्यूज के लिए चलो अच्छी बात है, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अब sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, सिर्फ 3 नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कराएंगे तो ये आ गया डिवाइड वाला 3 और मल्टीप्लाई वाला 3 ऊपर चला जाएगा sec x और tan x के साथ, और नीचे लिखा हुआ है 2+3 sec x dx। ठीक है ना, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, सीधा सीधा 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और 3 एज इट इज आ गया, sec x का डेरिवेटिव sec x और tan x आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 एज इट इज और आंसर आ जाता है ln। जब भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो सीधा सीधा ln आ जाता है, तो ये हो जाएगा ln 2+3 sec x + c के बराबर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो रिवर्स वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कि ये हो सकता है 2+3 sec x की पावर 1/3। ठीक है ना, वही ln जब होता है तो पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने रिवर्स वाली प्रॉपर्टी इससे पहले जो मैंने समझाई, और ये जो पावर 1/3 लिखी हुई है इसको लिखने का तरीकेकार ये भी हो सकता है ln यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स इसका 3 और आ जाएगा 2+3 sec x + c। तो ये वाला आंसर ढूंढना है, ये लिखा हुआ है ln 2+3 sec x + c। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हूज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, याद रखो ये प्रॉपर्टी है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सॉल्व करके, कि जब भी कोई इक्वेशन सर्किल जो है वो लाई करता है किसी भी एक एक्सिस पे, तो दूसरे वाला एक्सिस वहाँ पे जीरो हो जाता है। जब दूसरा वाला एक्सिस वहाँ पे जीरो हो जाएगा तो उसकी वाली टर्म वहाँ पे नहीं लिखी हुई होगी। तो अगर सेंटर लाई कर रहा है ऑन y एक्सिस तो इसका मतलब ये है कि उसमें x की टर्म जीरो होनी चाहिए। अब x की टर्म इसके अंदर भी लिखी हुई है, x की टर्म इसमें भी लिखी हुई है, तो x की टर्म इसमें भी आ रही है, वाहिद ये है चौथा ऑप्शन जिसमें x की टर्म नहीं है। तो इसका मतलब यही वो सर्किल है जिसका सेंटर लाई कर रहा है ऑन y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 14, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, i + j - k और माइनस का k, और इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें 2i - 3j - k, 2i - 3j - k। इन शॉर्ट फटाफट करना है, i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं, j वाली वैल्यू j वाली वैल्यू से, k वाली वैल्यू से, i j के नहीं लिखते। तो 1 2s are 2 और फिर प्लस माइनस माइनस, 1 3s are 3 और फिर माइनस माइनस प्लस, 1 1s are 1। तो ये हो जाएगा कितना, 2 - 3 हो गया हमारे पास माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर हो गया 0 के। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए 0 के, जो कि है हमारा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, द सर्किल इज कंसेंट्रिक विद द सर्किल। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जो सेंटर है वो सेम है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ऊपर वाले सेंटर से मैच कर रहा है। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कराऊँ 2 से, तो आप नोट करो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कराऊँगा, जल्दी जल्दी करें तो बिना डिवाइड करें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। 9/2 आने का मतलब क्या हो गया कि इन जैसा आंसर तो नहीं आ रहा, 9/2 आने का मतलब इन जैसा आंसर तो नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दो आगे बढ़ो। इधर अगर मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 9/3 कितना होता है 3x, इधर भी 3x लिखा हुआ है, इधर भी 3x आ जाएगा। फिर जब 3 को इधर डिवाइड कराऊंगा तो 12 के साथ डिवाइड में आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4y, यानी कि 3x आ जाएगा 4y आ जाएगा, 3x आ जाएगा 4y आ जाएगा। तो ये जो सेकेंड वाला आंसर है ना, यही जो है वो कंसेंट्रिक है। लेकिन चलो बाकियों को चेक करते हैं, इधर 3 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या मसला आएगा, इधर 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 3x² 3y² और ये 6x लिखा हुआ है, जब इसको 3 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा जबकि ऊपर 3x है, ये गलत हो गया। इधर आ जाओ 2 से डिवाइड कराएंगे तो 6/2 ये कितना हो जाएगा 3x, तो चलो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जब 2 डिवाइड होगा 12 के साथ तो आंसर आ जाएगा 6y और ऊपर 4y लिखा हुआ है। तो याद रखो ये जो सर्किल है दूसरा वाला, ये कंसेंट्रिक है क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स इक्वल आएंगे जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे डिवाइड बाय 3 करवाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के तहत ये चीज़ बराबर होती है सी डॉट ए क्रॉस बी के, या ए क्रॉस बी डॉट सी के। ठीक है ना, पोजीशन मैटर नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा वाला, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है सी डॉट ए क्रॉस बी के।
क्वेश्चन नंबर 17, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स का इंटीग्रल मालूम करना है। साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स क्या होता है? टेन एक्स, और टेन एक्स का सीधा सीधा डेरिवेटिव होता है एल एन सेक एक्स। तो इसका मतलब हमारा सीधा सीधा आंसर होगा, यहाँ पर ज़्यादा सोचना ही नहीं है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है एल एन सेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 18, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अच्छा जी, स्लोप मालूम करना है जो इधर टेंजेंट बनेगा ना इस हाइपरबोला में। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, हाइपरबोला कौन सा है ये? एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या आ रही है वैल्यू? इज इक्वल टू 12। हम मालूम करना है 3, 2 पर। ठीक है, तो वही स्टेप है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले y का अपना डेरिवेटिव 2y पावर के लिहाज से, और y का अपना डेरिवेटिव dy ओवर dx माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर, इज इक्वल टू 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, 2 को कॉमन लेके 0 कर लो, तो ये हो जाएगा y dy ओवर dx और माइनस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, dy ओवर dx की वैल्यू अलग करो क्योंकि वही स्लोप आएगा टेंजेंट का, तो ये हो जाएगा किसके बराबर? ये हो जाएगा x ओवर y के बराबर। माइनस का x उधर जाके प्लस हो गया और y जाके डिवाइड हो गया। वैल्यू क्या है? वैल्यू है हमारे पास x की 3 और y की वैल्यू है 2। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो बराबर आएगा 3/2 के। तो 3/2 ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 18, 3/2, ये आ गया हमारा तीसरा वाला आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, ये तो आ गए हमारे पास सादी सी एक प्रॉपर्टी। एल एन वेन एक्स अप्रोचेस टू 0 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है, लिख के याद दिला देते हैं अगर नहीं पढ़ी तो। ठीक है ना, अगर हम ये लिखें कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 ओवर a टू दी पावर और ओवर x इज इक्वल टू, ये एक पर्टिकुलर आंसर है और वो आंसर आता है बराबर ln a के। यानी कि जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी होगी ना, a जो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ होगा उसी का ln आता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 to the power x। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा ln 2 के बराबर। तो ln 2 हमें ढूंढना है, ln 2 यहाँ पर है ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ, अब इक्वेशन की बात हो रही है, अब टेंजेंट नहीं है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 3, 6 टू द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 20 में बाकायदा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पैराबोला है हमारे पास y² is equal to 12x। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था ना, इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये हो जाएगा 2y, y का अपना डेरिवेटिव dy ओवर dx, और 12x का डेरिवेटिव हो जाएगा 12। 2 ones are 2, 2 sixes are 12। तो स्लोप यानी कि dy ओवर dx आ रहा है बराबर 6 ओवर y के। ठीक है ना, dy ओवर dx, dy ओवर dx बराबर आ रहा है 6 ओवर y के। ठीक है, तो स्लोप बनाने के लिए हमें पॉइंट पुट करने पड़ेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमारे पास 3, 6। पॉइंट है हमारे पास 3, 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप बनेगा, जैसे ही पॉइंट पुट करते हैं तो 6 ओवर y की जगह पर भी आ जाएगा 6, कैंसिल होने के बाद स्लोप का आंसर आ गया हमारे पास 1। अब क्योंकि वो कह रहे हैं पूरी इक्वेशन मालूम करनी है, तो फार्मूला हमें स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो उसी से सॉल्व करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म y-y1 = mx-x1। तो ये क्या बनेगा? y-y1 कितना है? 6, स्लोप 1 आया है, और x-x1 है 3। तो फाइनली अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा x-y। ठीक है ना, इस तरफ लेके जा रहे हैं सब लोग राइट हैंड साइड पे, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो होगा x-y + 3 = 0। ओके जी, इफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है तीनों के तीनों ये कोलीनियर हैं, एक ही लाइन पर लाए करते हैं, तो लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए? तो हमें इन सब का स्लोप पहले का दूसरे से, और दूसरे के स्लोप को दूसरे से जो तीसरे का स्लोप है उसे बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, तो तीन पॉइंट्स कौन से हैं? 1, -1। दूसरा कौन सा है? दूसरा है लेमडा आ रहा है, जिसमें 2 लेमडा और 4, 5, ये तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनका स्लोप अगर निकाल लें इन दोनों का, तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का? स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1
एक्स टू माइनस एक्स वन, और इन दोनों का स्लोप बराबर आएगा। इसका इससे जो स्लोप है कितना बनेगा, ये बनेगा ऊपर वाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन, टू माइनस वन ये आ गया इन दोनों का स्लोप। अब ज़रा इन दोनों का स्लोप निकाल लो, उसी तरीके से वाई टू माइनस वाई वन दोनों बराबर आने चाहिए, तो हो जाएगा फाइव माइनस लेमडा और अपॉन में आ जाएगा फोर माइनस टू। इधर तो हो जाएगा लेमडा प्लस वन और टू डिवाइड बाय टू माइनस वन, ये होता है वन के बराबर, तो उसे रहने दो, इज इक्वल टू फाइव माइनस लेमडा और इधर आ जाएगा टू माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। रीअरेंज करके बनेगा टू लेमडा प्लस टू और ये आ जाएगा फाइव माइनस लेमडा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास टू लेमडा प्लस टू और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव माइनस लेमडा, तो सारे लेमडा एक तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा टू लेमडा प्लस वन लेमडा और ये हो जाएगा फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू होता है थ्री और ये बराबर हो गया थ्री लेमडा के, थ्री से थ्री कैंसिल, लेमडा बराबर आ गया वन के, तो सही आंसर ढूंढना है, लेमडा इज इक्वल टू वन, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम तब होता है जब ग्रेटर देन ज़ीरो, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो मिनिमा बनता है, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन जो है वो उल्टी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया हमारे पास, फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव मालूम करना है, साइन और साइन का अपना जो एंगल है वो साइन एक्स है। क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा हुआ है साइन और इसका जो एंगल है वो खुद साइन एक्स है, और लेट से ये कोई फंक्शन है वाई के बराबर, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे सबसे पहले साइन का अपना डेरिवेटिव आएगा तो वो हो जाएगा कॉस। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव जो हम करते हैं तो बराबर आता है कॉस एक्स के, एंगल तो सेम रहता है ना। अब यहाँ पे भी एंगल क्या रहेगा, एंगल रहेगा साइन एक्स, और फिर एंगल का अपना डेरिवेटिव जो यहाँ पे हम वन लिख देते हैं, एंगल का अपना डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, वो लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इसका मतलब आंसर बनेगा कॉस एक्स और कॉस साइन एक्स, इस तरीके से कॉस एक्स कॉस साइन एक्स, ये वाला सही है, ठीक है ना। कोई भी माइनस का साइन नहीं आ रहा है यहाँ पर क्योंकि डेरिवेटिव हमें साइन का लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल ऑफ ln x dx, ln x dx का जो डेरिवेटिव है बेसिकली उसको बाई पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन MCQs में तो फटाफट बस उसका आंसर जो है आपने जहन में रखना है कि जब भी हम ln x का जो है वो इंटीग्रल मालूम करते हैं तो वो बराबर आता है किसके, याद रखिए बराबर आता है x ln x माइनस वन प्लस c के, ठीक है ना। x ln x ये जो है ना समझ लो हमने कॉमन लिया हुआ है, वरना x ln x माइनस x होता है, तो x को अगर कॉमन ले लिया तो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट, फिर 50 मार्क्स हो जाएंगे पूरे। ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाए कर रहा है, इस इक्वेशन के लिहाज से, इनसाइड आउटसाइड ऑन या नन ऑफ दीज, तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का 2y और फिर आएगा हमारे पास माइनस का 44 इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो पॉइंट है वो कौन सा है, पॉइंट है हमारे पास 5 कॉमा माइनस का 7.5, है ना, 5 कॉमा माइनस 7.5। तो बेसिकली पॉइंट पुट करके देखते हैं, अगर आंसर ग्रेटर आ गया तो अब तो जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, इक्वल आ गया तो ऑन द सर्किल लाई कर रहा है, लेस देन आ गया तो इनसाइड लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 7.5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 5 प्लस का 2, वाई की जगह पे माइनस का 7.5 और माइनस का 44 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है सीधा सीधा, तो डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 5 20, माइनस का 20 और प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 होता है 15 और ये हो गया माइनस का 44। सो आंसर हमारे पास आ गया 2.3, और 2.3 आंसर जो है जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो अगर ये आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्किल। सो दैट्स इट, एमसीक्यूज पूरे हो गए,
और बाकी यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस हैं, बी सेक्शन भी है, सी सेक्शन भी है, और पूरा जो एसएम के जो है ना, ये जो पूरे के पूरे पेपर्स हैं स्टेडियम रोड के, सॉरी एसआरए मजीद के, ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, अभी डाउनलोड कर लो, फिर जब मैं फेस का अपलोड करूँगा तो फिर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, देखते हैं टाइम मिलता है तो उसे ज़रूर अपलोड करेंगे। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल लिखना कॉमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।